कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग टर्मिनल पर स्वागत है। सो सॉरी गाइस, मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेकर आ पाया था, बट आज के इस धमाकेदार वीडियो से वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। तो आप सभी ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में उसका ओवरव्यू देख लिया होगा एंड आप सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो ये देखिए, ये रहा इसका बॉक्स। तो मैं सच बताऊँ गाइस, तो इसका बॉक्स काफ़ी सॉलिड एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके बॉक्स को देखते ही ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमें काफ़ी पावरफुल मशीन देखने को मिलेगी एंड इसके फ्रंट साइड में हमें काफ़ी बड़ा लीजन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है जो कि लिनवो की तरफ से है। और आप सभी को एक ज़रूरी बात बताऊँ तो इसे मैंने चेकिंग पर्पज़ के लिए पहले ही अनबॉक्स कर लिया हुआ था, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड था आप सभी के साथ इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैंने इसे आप सभी लोगों के लिए वापस से रीपैक किया एंड इसके लिए आप सभी के लिए मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप सभी भी इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस फील कर सके। तो चलिए मैं इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है, तो हमें ऊपर ही हमारा लैपटॉप मिल जाता है, ये देखिए। तो चलिए हम इसका कवर निकाल लेते हैं लैपटॉप का। तो हम इसको साइड में रख देते हैं एंड ये देखिए, हमारा लैपटॉप अभी भी एक कवर में पैक्ड है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा लैपटॉप। और हम देख लेते हैं हमारे बॉक्स में क्या-क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये रहा इसका पावर अडैप्टर जो कि 170 वॉट का है। ये देखिए 170 वॉट का पावर अडैप्टर, तो हम इसे भी साइड में रख देते हैं एंड हमें पावर अडैप्टर का ये कॉर्ड मिल जाता है और इसके साथ हमें लिनोवो लीजन का M300 RGB गेमिंग माउस भी मिल जाता है, ये देखिए। तो चलिए अब हम हमारे लैपटॉप पे जाएंगे, इसका ओवरव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। लैपटॉप के ओवरव्यू की बात करूँ गाइस, तो ये प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है जो कि फैंटम ब्लैक कलर में है। काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और इसे टच करने से बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और लीजन की ब्रांडिंग, इसमें RGB नहीं है। और इसके वेट की बात करें तो ये 2.3 kg का है एंड ये काफ़ी क्लासी लुक देता है। इसे कॉलेजेस, स्टूडेंट्स वाले, ऑफिस वर्क वाले भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी गेमिंग लैपटॉप नहीं लगता। तो हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इसके सारे पोर्ट्स मैक्सिमम बैक साइड में दिए हुए हैं, इसकी वजह से इसके फ्रंट साइड में काफ़ी क्लीन दिखता है। तो चलिए हम इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसके इस साइड में हमें आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग USB A Type पोर्ट देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन जैक देखने को मिल जाता है एंड बैक साइड में हमें काफ़ी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वैन का पोर्ट, USB C Type पोर्ट एंड यहाँ पर दो हमें USB A Type के पोर्ट्स एंड यहाँ पर HDMI पोर्ट एंड चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पर हमें किंगस्टन लॉक का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इसके इस साइड में देख ले, तो यहाँ पर हमें USB A Type पोर्ट और यहाँ पे नोवो बटन होल देखने को मिल जाता है एंड पावर इंडिकेशन लाइट। इसमें हमें हीट को बीट करने के लिए 2.5 का कोल्ड फ्रंट दो फैंस दिए हुए हैं, जिससे कि अगर आप हेवी गेमिंग जैसे कि GTA 5 एंड हैवी वर्क लाइक एडिटिंग, ऑटो कैड ये सब परफॉर्म करेंगे तब भी ये कूल रहने वाले हैं। और इसके वेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा सा वेंट देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोनों फैंस ये जो है हवा अंदर लेते हैं और यहाँ के जो चार वेंट्स है, इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड से वो बाहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कूल रहता है। एंड यहाँ पर हमें सामने की तरफ दो डॉल्बी एटमॉस का ये स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि हरमन कर्डन का है, 2 वॉट्स के, ये देखिए यहाँ पर। तो जिससे कि हमें गेमिंग एंड वीडियोस कंजम्पशन करते समय काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए गाइस, अब हम इसे बूट करते हैं, तो इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो गया।
तो सबसे पहले हमें टॉप साइड में इसका वेबकैम देखने को मिल जाता है, जो कि 720p रिजोल्यूशन का वेबकैम है, जिसमें हमें प्राइवेसी शटर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो अब मैं इसके डिस्प्ले की बारे में बात करूँ, तो ये 15.6 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि 84% बॉडी रेशियो में देखने को मिल जाता है। और हमें यहाँ पे फोर साइड्स नैरो में काफ़ी नैरो बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, और आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि इस डिस्प्ले की क्लैरिटी को, जिसमें हमें 1920x1080 के पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और इस डिस्प्ले के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 250 Hz 120 Hz का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आता है इसमें हमें वाइड व्यूइंग एंगल एंड एंटी ग्लेयर फीचर्स देखने को मिल जाता है। वहीं पर हमें इस पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पर गाइस हमें ऊपर की तरफ एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। और आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें फुल साइज़ का कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड, वाइट कलर में बैकलिट कीबोर्ड है, एंड जिसका ट्रैवल टाइम 1.5 mm, और इसके डाउन साइड में हमें बड़ा सा मल्टी गेस्चर टच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने जो मॉडल लिया हुआ है, उसमें हमें इंटेल कोर 10th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एच सीरीज़ का है, जिसका बेस क्लॉक है स्पीड 2.5 GHz टू मैक्सिमम 4.5 GHz तक ले जा सकते हैं। और ये प्रोसेसर 4 कोर 8 MB कैशे पर रन करता है। एंड यहाँ पर हमें इसका मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो गाइज, इसमें हमें 8 GB ऑफ रैम देखने को मिल जाता है, जिसमें और 8 GB रैम ऐड कर सकते हैं, 16 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके स्टोरेज की बात करूँ तो गाइज, इसमें हमें 512 GB SSD M2 NVMe PCIe SSD देखने को मिल जाता है, जिसको हम अप टू 1 TB तक एक्सपांड कर सकते हैं। तो चलिए इसके पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी को देखते हैं। आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करें। आप सभी के एक लाइक की वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप सभी को कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस।